हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ एचआरएम ठीक है देखो लास्ट लेक्चर में हमने एचआर प्लानिंग के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट किया था टू पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं आई थिंक थ्री हो चुके हैं है ना आज हमारा फोर्थ पार्ट है एचआर प्लानिंग का फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन डेफिनेशनल फीचर्स सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि नीड क्या होती है एचआर प्लानिंग की एंड थर्ड लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है और आज के लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वट आर द बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ एच प्लानिंग क्लियर चलिए देखो एच प्लानिंग क्या कहता है ये एच प्लानिंग या फिर मैन पावर प्लानिंग बोथ आर सेम राइट एच आर प्लानिंग और मैन पावर प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कुछ रीजनस हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिसके कारण हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में एच आर प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट वन इज़ टू मीट अप द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड काउंटर बैलेंस इन सिक्योरिटी एंड चेंज थर्ड इट हेल्प इन चेकिंग लेबर इम्बेलेंसेज फोर्थ वन इज़ राइट साइजिंग द एच आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन

क्या कहते हैं टू मीट अप रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो क्या कहते हैं देखो बेसिकली हम सब जानते हैं कि एच आर प्लानिंग क्यों की जाती है सो so दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल की जा सके है ना तो क्या कहते हैं टू डू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स पर्सोनल ऑफ डिजायर्ड स्किल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हर ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए उन्हें रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे डिजायर्ड की नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस परसोनल की ठीक है द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इफेक्टिवली फुलफिल्ड थ्रू प्रॉपर एच आर प्लानिंग अभी जो ह्यूमन रिसोर्स के रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाती है बाय द प्रॉपर एच आर प्लानिंग ठीक है इट हेल्प इन डिफाइनिंग द नंबर ऑफ पर्सोनल एज वेल एज काइंड ऑफ पर्सोनल रिक्वायर्ड टू सेटिस आपको help, HR planning है क्या? ये आपको हेल्प करता है ये बताने में ये डिफाइन करने में और वी कैन से ये आइडेंटिफाई करने में कि आपको कितने नंबर ऑफ पर्सोनल्स के रिक्वायरमेंट है और किस टाइप के किस काइंड के मतलब अब टाइप और हमारा क्या मतलब है कि क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है उनमें क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए ये सब आपको हेल्प करते हैं ठीक है आइडेंटिफाई करने में इट इंश्योर्स द रिजर्वियर Of desired HR as and when required. Second point is counterbalance insecurity and change. देखो ये पॉइंट आपको हेडिंग से समझ नहीं आएगा जब अंदर इसका डिस्कस करेंगे ना एक्सप्लेनेशन को तो बहुत इजी पॉइंट है क्या कहते हैं देयर मस्ट बी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज है चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वेदर इट इज़ अ नॉन ह्यूमन रिसोर्स सभी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए अब कई बार ना में ऐसे देखने को मिलता है कि ऑर्गेनाइजेश के पास जो नॉन ह्यूमन रिसोर्स होते हैं ना वो तो एडिक्वेट है जैसे कि मशीन्स हो गया मटेरियल है मनी है ये तो उनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है बहुत अच्छी कंडीशंस में अवेलेबल होते हैं बट दे हैव इनएडिकुएट ह्यूमन रिसोर्सेज बट उनके पास उस नॉन ह्यूमन रिसोर्स को यूज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की कमी होती है अब उस देखो आपकी कंपनी है आपके पास मशीन्स है पैसा है मेटीरियल सब पड़ा है रॉ मटेरियल सब पड़ा है बट मशीन को ऑपरेट करने के लिए पर्सन ही नहीं है तो वट इज द यूज ऑफ दैट मनी दैट मशीन और दैट मेटीरियल है ना तो ये बोलते हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि द ऑर्गेनाइजेशन में हैव एडिक्वेट नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि मशीन्स हो गई आपकी मेटीरियल है मनी है बट इन एडिकुएट ह्यूमन रिसोर्सेज एज अ रिजल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी स्टार्टेड और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ना वो आपका स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको हेल्प करता है टू ऑफसेट द अनसर्टेनिटीज एंड चेंजेस एज फार एज पॉसिबल एंड अनेबल्स टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द राइट काइंड एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस क्लियर है तो सेकेंड पॉइंट क्या था आपका काउंटर बैलेंस इन सिक्योरिटी एंड चेंज थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन चेकिंग लेबर इंबैलेंसेस कई बार लेबर आपका इम्बैलेंस हो जाती है तो उसको भी चेक करने में आपको ये हेल्प करता है एच आर प्लानिंग शॉर्टेजेस और सरप्लसेस ऑफ मैन पावर इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एच आर की कमी है या बहुत ज्यादा है दोनों सिचुएशन ही बुरी है क्यों अगर कमी होगी उनकी मतलब ह्यूमन रिसोर्स की कमी है मैनपावर की कमी है तो आपके जो भी गोल्स हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज वो सब स्टॉप हो जाएंगी बट अगर आपका वो एच आर सरप्लस में अवेलेबल है तो वो आइडल पड़े रहेंगे आप उनसे काम तो करवा ही नहीं रहे हो बट आपको बिना मतलब उन्हें पे करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए वो बर्डन क्रिएट हो जाता है तो एच आर प्लानिंग हेल्प करता है आपको एंटिसिपेट करने में कि शॉर्टेज और मैनपावर तो शॉर्टेज uh, और सरप्लस तो नहीं आ गई मैन पावर की द शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एज वेल एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी प्रॉपरली यूटिलाइज ठीक है अगर आप ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है तो आपके पास जितने मर्जी फिजिकल रिसोर्सेज पड़े या नेचुरल रिसोर्सेज पड़े आप उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाओगे बट इन केस ऑफ सरपलस ह्यूमन रिसोर्सेज दिस रिसोर्स में रिमेन अंडर यूटिलाइज अगर आपके पास सरप्लस में पड़ा रहेगा ह्यूमन रिसोर्स तो ये काम तो कर नहीं देना तो अंडर यूटिलाइज आप इनकी जो पोटेंशियलिटीज हैं जो इनके हिडन क्वालिटीज हैं है ना आप उनको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो इट हेल्प्स इन काउंटर बैलेंसिंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ एम्प्लॉयज वेरी कंफर्टेबली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प्स इन करेक्टिंग दिस इम्बैलेंस बिफोर इट बिकम्स अनमैनेजेबल एंड एक्सपेंसिव तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको ये हेल्प करता है इस सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए ठीक है मतलब कि वो हाथ से चली ना जाए उससे पहले उसको करेक्ट कर देता है क्लियर चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका राइट साइजिंग द एचआर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन दर इज अ अंस्टेंट नीड फॉर राइट साइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में राइट right साइजिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना तो बहुत ज्यादा मतलब in the organization, some posts may fall vacant as a result of retirement, accidents, resignations, promotions, or death of employees. consequently, there is a constant need of replacing people. human resource planning estimates future requirements of the organization and helps to ensure availability of human resources of right kind, right number, इन राइट टाइम एंड द राइट प्लेस और एच आर प्लानिंग आपको हेल्प करता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करने के लिए कि आपको ह्यूमन रिसोर्स के कितने रिक्वायरमेंट हैं ठीक है ठेके? और आपको ये इंश्योर करवाता है कि आपका राइट काइंड ऑफ पर्सन अवेलेबल होगा राइट right नंबर में होगा राइट right टाइम पर होगा एंड राइट प्लेस पर होगा क्लियर चाहिए नेक्स्ट वन इज टू मीट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड्स ऑफ दर्गेनाइजेशन it helps to execute future plans of the organization regarding expansion diversification and modernization through hr planning it is ensured that the employees in the right number and of right kind are available वेन टू मीट दीज नीड्स ऑफ दर्गेनाइजेशन तो ये एच आई प्लानिंग आपको यह भी इंश्योर करता है कि जब कंपनी को जब ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस टाइम पर यह राइट नंबर ऑफ पीपल को अवेलेबल करवाएगा राइट काइंड ऑफ पीपल को करवाएगा ठीक है राइट टाइम पर राइट प्लेस पर क्लियर है इट इंश्योर दैट पीपल ऑफ डिजायर स्किल्स एंड नॉलेज आर अवेलेबल टू हैंडल द चैलेंजिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स नेक्स्ट पॉइंट इज फुलफिल इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द इंप्लाइज क्या कहते हैं इट हेल्प्स टू सेटिस्फाई द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द इंप्लाइज फॉर प्रमोशन ट्रांसफर सैलरी इनकैशमेंट बेटर बेनिफिट नेक्स्ट पॉइंट है इस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंप्लाइज एच आर प्लानिंग की हेल्प से आपको पता चलता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंप्लाइज की नीड क्या है है ना देर इज अ कॉन्स्ट नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंप्लाइज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड स्कोप फॉर एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दस इट हेल्प इन मीटिंग द फ्यूचर नीड्स ऑफ दर्गेनाइजेशन ऑफ हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज तो ऐसे ही हेल्प करता है जो भी आपके हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय होती है उनकी जो फ्यूचर नीड्स होती है ना उनको फुलफिल करने में ये आपका हेल्प करता है क्लियर चलिए सेकेंड लास्ट पॉइंट आपका दैट इज एट वन इज हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ बजट देखो एच आर प्लानिंग ना आपको हेल्प करता है एंटिसिपेट करने में कि एच आर की क्या कॉस्ट आने वाली है इन टर्म्स ऑफ हिज सैलरी इन टर्म्स ऑफ हिज अदर बेनिफिट्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर रिक्रूटमेंट एक्सपेंडिचर इन सब पे क्या खर्चा आने वाला है ठीक है तो अकॉर्डिंगली कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने बजट्स को प्रिपेयर करती है इट हेल्प्स इन एंटीसिपेटिंग द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जाम्पल सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स एक्सेट्रा इट फेसिलिटेट्स द फॉर्मुलेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बजट फॉर वेरियस डिपार्टमेंट डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो इट मे ऑल्सो हेल्प इन दमुलेशन ऑफ सुटेबल बजट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन तो ये आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल बजट्स बनाने में भी हेल्प करता है क्यों क्योंकि इसमें आप एच की कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेते हो एंटिसिपेट कर लेते हो और जिसके कारण आपको बजट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है क्लियर है चलिए लास्ट वन इज टू चेक जॉबलेसनेस इन द एक्सरसाइजिंग ऑफ राइट साइजिंग ऑफ बाय द ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफ द समाप्लॉयज में बिकम सरप्लस देखो हम ये कहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में राइट साइजिंग ऑफ इंप्लॉयज़ होनी चाहिए मतलब ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम ठीक है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉयज सरप्लस होते हैं इट मेन्स द सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन अब हमें इनकी सर्विसेज की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें तो राइट right साइजिंग करनी है ठीक है तो इस केस में क्या होता है uh, हमें उन्हें निकालना पड़ेगा बट हम ये प्लान करते हैं टू चेक द जॉब लॉस और टू प्रोवाइड फॉर ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इन द कंसल्टेशन विद वेरियस कंसर्न पार्टीज एंड अथॉरिटीज क्लियर है क्या कहते हैं देखो उस केस में जब आप राइट right साइजिंग करते हो ना तो आपको सरप्लस एम्प्लॉयज को निकालना पड़ता है है ना अब जब सरप्लस एम्प्लॉयज को निकालेंगे तो उनकी जॉब जा रही है तो जॉब लॉस के कंटेक्सट में आप क्या करते हैं आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इन कंसल्टेशन विद अदर कंसर्न पार्टीज एंड अथॉरिटीज़ क्योंकि देखो आपकी कोई ना कोई तो नॉन होगी ना कोई पार्टीज़ हैं कोई अथॉरिटीज़ हैं कोई एजेंसीज़ हैं कोई कंपनीज हैं तो आप उनसे कंसल्ट कर कर उन्हें जिनको आप मतलब निकाल रहे हो है ना उनको आप एम्प्लॉयमेंट ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं क्लियर है तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे बेनिफिट्स ऑफ एच प्लानिंग और वी कैन से इंपॉर्टेंस ऑफ एच प्लानिंग ठीक है तो टोटल तो 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 हमने एट पॉइंट्स को डिस्कस किया है चलिए एक बार फटाफट से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस किया है सो so दैट आपको एक रिकॉल हो जाए फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था टू मीट अप द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वन इज काउंटर बैलेंस इन सिक्योरिटी एंड चेंज थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन चेकिंग लेबर इम फोर्थ राइट साइजिंग द एच आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिफ्थ टू मीट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन Sixth, fulfill individual needs of the employees. Seventh, one is training and development of employees. Eighth, helps in formulation of budgets. And the ninth one is to check joblessness. I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.